चंद्रबाबू नायडू घोषणा पत्र है, इमाम को पैसा देंगे, मस्जिद को पैसा देंगे, कब्रिस्तान के लिए जगह देंगे, कोई रोक के दिखा दे। महागठबंधन आपके गठबंधन के हिस्सा, गठबंधन के हिस्सा उसको रोक। अरे भाई इन बकलोल, इन बकलोलों के साथ मैं क्या डिबेट करूं। नायडू का दो चीज है, नहीं है बोलो। अरे सुनिए घोषणा पत्र, इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी, अरे बकलोल चुप रहोगे, या तो तुम बोल लो, या तो तुम बोल लो, या तो मैं बोल लूं। बीच में बकलोली क्यों कर रहे हो? खत्म कर्नाटक का, मान लो एक बात, बीजेपी गई कर्नाटक में कि आरक्षण खत्म किया जाए, हुआ खत्म। कितने परसेंट आरक्षण है जरा बता, कर्नाटक में कितने परसेंट आरक्षण है मुस्लिम? 5%। सुनो ना, और अभी जानो चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कर रहे, पूछो। चंद्रबाबू नायडू जाएगा बोरा में, वो जाएगा बोरा में, अगर ये चीज मांगेगा ना, हाँ ये समर्थन मांगेगा, मोदी सरकार कभी नहीं देगा। मैं वही कहता हूँ, विधुरी अच्छी भाषा बोल रहा था संसद में, उसको निलंबित किया, पूछना इनसे विधुरी के बारे में, पूछो भाई विधुरी का टिकट काट दिया गया रमेश विधुरी का, स्पीकर पूछो इनसे, ये पूछो क्या बोला था, संसद की भाषा थी ये, पूछो ना इनसे। उससे पहले क्या बोला था, मैं जो पूछ रहा हूं, उससे पहले क्या बोला था विधुरी से पहले क्या जो जो क्या कहते हैं दानिश अली ने जो बयान दिया था, क्या कहते हैं नहीं आप बताए, विधुरी क्या बोला था, आप बताए विधुरी ने क्या, कटुए मूल्य ये सब भाषा होती है संसद की, क्या कहते हैं, नहीं होती है, नहीं होती है, इसका मैं खंडन करता हूँ, इसका मैं खंडन करता हूँ। भक्ति से आगे कुछ नहीं है, हटाओ, अंधभक्ति में डूबे और कुछ नहीं है, अंधभक्ति मत बोलिए। हाँ आपको मैं महान अंधभक्त बोल सकता हूँ, इधर पे अपन भक्ति की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ तुम्हारे नेता राहुल गांधी कभी बोलेंगे, मैं कहता हूँ कि आरक्षण धर्म के आधार पर भी नहीं होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। नायडू जो है ना, धक्का दे रहे हो चंद्रबाबू नायडू, अभी आरक्षण देंगे मुस्लिम को, अब मोदी जी रोक के दिखा दे, क्या कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, घोषणा पत्र है, इमाम को पैसा देंगे, मस्जिद को पैसा देंगे, कब्रिस्तान के लिए जगह देंगे, कोई रोक के दिखा दे। महागठबंधन आपके गठबंधन के हिस्सा, गठबंधन के हिस्सा उसको रोक। अरे भाई इन बकलोल, इन बकलोलों के साथ मैं क्या डिबेट करूं। नायडू का दो चीज है, नहीं है बोलो। अरे सुनिए घोषणा पत्र, इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी, अरे बकलोल चुप रहोगे, या तो तुम बोल लो, या तो तुम बोल लो, या तो मैं बोल लूं। बीच में बकलोली क्यों कर रहे हो, बकलोली क्यों कर रहे हो, नायडू बाबू को भी पहले इनसे कहिए 2 मिनट शांत रहे, इसके बाद जितना बोलेंगे मैं चुप रहूंगा। मैं यही कह रहा था, इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी एफर्ट किया था धर्म के आधार पर आरक्षण देने का, हाईकोर्ट ने फटकार लिया, हाईकोर्ट ने फटकार लगाया, ममता बनर्जी ने प्रयास किया, हाईकोर्ट ने फटकार लगाया। मैं ये कहता हूँ कि एक स्टेट के मुख्यमंत्री होने की वजह से आप पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हो। धर्म के आधार पर पूरे देश में आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है, और वो मोदी जी ने कतई नहीं चाहेंगे, वो क्लियर कर दिए। दूसरी बात कि एक मुख्यमंत्री होकर के आप सिर्फ प्रयास कर सकते हो, जैसे ममता बनर्जी ने एफर्ट किया तो हाईकोर्ट ने फटकार लगा दिया, अब वो हाईकोर्ट के अगेंस्ट यदि कहीं जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल दाखिल कर देगा, तो ये सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, आप दे नहीं सकते। पावर है, मैं पूछ रहा हूँ स्टेट को पावर है आरक्षण देने, पावर तो है, ममता बनर्जी ने दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसका वो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा स्टेट है, कर्नाटक ने दिया था क्या हुआ, बीजेपी उसको क्लियर वो मना कर दिया, बाद में आया नहीं आया क्लियर आरक्षण से, कायम नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं आरक्षण कर्नाटक में हुआ कायम नहीं हुआ, पूछो इनसे। मैं वही कह रहा हूँ कि यदि चलो मान लो कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दे, और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दे, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि इसको खत्म किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा स्टेट गवर्नमेंट नहीं है ना, खत्म कर्नाटक का, मान लो बीजेपी गई कर्नाटक में कि आरक्षण खत्म किया जाए, हुआ खत्म, कितने परसेंट आरक्षण है जरा बता, कर्नाटक में कितने परसेंट आरक्षण है मुस्लिम? 5%। सुनो ना, और अभी जानो चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कह रहे, पूछो। चंद्रबाबू नायडू जाएगा बोरा में, वो जाएगा बोरा में, अगर ये चीज मांगेगा ना, हाँ ये समर्थन मांगेगा, मोदी सरकार कभी नहीं देगा। मैं वही कहता हूँ, बहुमत में सरकार है उसकी, कि समर्थन काहे के लिए चाहिए, किस व्यवस्था, चंद्रबाबू नायडू की पूर्ण बहुमत में सरकार है, उसको किसी का सहयोग किस लिए चाहिए? वो जो आरक्षण, जो वो अपना घोषणा पत्र
जो किया है उसको कोई रोकेगा पूछना? इसको मोदी जी उसको खारिज कर देंगे? मैं ये पूछ रहा हूं, एनडीए है, सुनिए मेरी बात को, टोटल 303 एनडीए है। अभी नायडू चले जाए तो क्या फर्क पड़ता है? इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ, इन्हीं के भाषा में जवाब दे रहा हूँ ना, इन्हीं के भाषा में जवाब दे रहा हूँ। मोदी जी नहीं रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ, रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, क्या करें? जैसे नायडू जो वहाँ पर जब मान लिया 5% या 10% जो भी मुस्लिमों को आरक्षण दे, उनके घोषणा पत्र में था इनके कहने के हिसाब से, तो बीजेपी रोकेगी? अब बीजेपी भाई शुरू से ही कह रही है हम धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है। बीजेपी अगर आप कह रहे हो कि उनके घोषणा पत्र में है और बीजेपी शुरू से कहती आई है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो लाजमी वो रोकेगी? तो शुरू से कह के आई है, सहयोग है सरकार में, कैसे रोक देगी यार? अरे तो सरकार से समर्थन वापस ले ले, समर्थन वापस ले ले, रोक देगी, समर्थन वापस ले ले, 1-2 महीने में लागू हो जाएगा। सुनिए भाई, अरे 1-2 महीने में लागू हो जाएगा, देख लेना। इन बकलोल का जवाब देने दीजिए, बकलोल का जवाब दे दो, मेरा नंबर ले लो। सुनिए, अभी जब मैंडेट आया था, चाचा चुप रहिए, सटीक जवाब दे रहा हूँ। अभी जब मैंडेट आया तो यही विपक्ष कह रहा था नीतीश पलट जाएंगे, नायडू पलट जाएंगे। पहले यार चुप रहो तो रहो, बात घुमाओ नहीं तो, पहले सुनो तो पूरी बात। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। तो मैंडेट आया, सरकार नहीं बनी, तो बोले नीतीश पलट जाएंगे, नायडू पलट जाएंगे, सरकार नहीं बनेगी। फिर नहीं पलटे, दोनों समर्थन दे दिए, नीतीश जी मोदी जी का पैर छू लिए। अब ये कहते हैं कि मोदी जी एक्टिंग करते हैं, यदि मान लो एक्टिंग करते हैं, नीतीश जी ने मोदी से कहा हो पैर छुओ, तो नीतीश, अरे सॉरी, मोदी जी ने कहा हो नीतीश से पैर छुओ, तो नीतीश यदि मोदी के कहने में पैर छू रहे हैं, तो ये समझिए कितना नीतीश के दबाव में है मोदी जी। अरे नीतीश मोदी जी के दबाव में है, मोदी तो नीतीश के दबाव में नहीं हुए ना, जब कहने पर नीतीश पैर छू रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितना बड़ा मुद्दा उतना बड़ा जवाब होता है। दूसरी बात, उसके बाद ये लोग बोले कि मंत्रिमंडल का विस्तार जब होना था, सरकार बन गई, तो बोले कि ऐसा है कि दबाव में काम करेंगे, दबाव में काम करेंगे। यही तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी ने नीतीश को झुंझुना थमा दिया। और संजय सिंह राज्यसभा सांसद ने कहा कि नायडू की जो बात कर रहे हैं, कम से कम टीडीपी को अपना स्पीकर बना लेना चाहिए। दोनों हुआ, स्पीकर भी भाजपा का। अब जब ये कह रहे हैं कि दबाव में, अभी तक बताइए कहीं भी भाजपा दबाव में आई? उनका स्पीकर नहीं बना है ना, इसका मतलब क्लियर कट मैसेज दे दिया कि समर्थन देना है तो दो, नहीं तो भाग जाओ। सुनो, इनका एक मिनट स्पष्ट कर दूं, इनका कहने का मतलब बीजेपी दबाव में नहीं है। अरे सुनो, दबाव में मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जब उसका घोषणा पत्र है कि हम मुसलमान को आरक्षण देंगे, टीडीपी का, चंद्रबाबू नायडू का, तो वैसे आदमी से समर्थन क्यों लिया? ये बात का जवाब देना। ये वो क्लियर बोल दिया कि मैं मुसलमान को आरक्षण दूंगा, उसको मस्जिद के इमाम को पैसा दूंगा, उसको कब्रिस्तान के लिए दूंगा, सबको दूंगा, तो बीजेपी वैसे आदमी का समर्थन क्यों लिया? ये पूछो ना इनसे, जो वो क्लियर कह रहा है, दे दिया बीजेपी, दे दिया जवाब, 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 जवाब। बकलोल महाराज से कहिए जरा जवाब सुन के जाए। सुनिए, देने के बाद पूरा विश्व में हंगामा हो जाएगा। चलो जवाब लो, सवाल है ना आपके लिए, इधर उधर घुमाएंगे गोल गोल, मुझे सीधी, वो जो आदमी गंदा है, जो चोर है साला, मैं उसके साथ रहूंगा क्यों? जो चोर है, जो चोर है, उसके साथ रहूंगा क्यों? इन्हीं से चलवा लीजिए, लगता दे दिया हो, बोलते रहे ये बकलोलों की तरह। देखिए ऐसा है, देश में चुनाव हुआ सरकार बनाने के लिए, चुप रहिए, चुनाव हुआ सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए। अब यदि कोई सरकार नहीं बनती है तो देश के लोगों के जनादेश का अपमान है। सरकार का गठन करने के लिए यहाँ केंद्र की सरकार में समर्थन लिए हैं, केंद्र की सरकार में समर्थन है, प्रदेश की सरकार में समर्थन नहीं है। आप सवाल करके भागोगे क्यों? अरे यार, लो घुमाने का क्या मतलब? जो आदमी केजरीवाल के लिए जब कांग्रेस चोर थी, कांग्रेस घोटालेबाज थी, शीला दीक्षित के खिलाफ घोटालों की फाइल में फाइल थी, तो केजरीवाल हाथ क्यों मिला? पूछे जरा। आपके कहने का मतलब केजरीवाल और कांग्रेस जो चोर है, दोनों मान लो ठीक है, तो मोदी जी और नायडू भी दोनों एक ही हो गए आपके हिसाब से? वो दोनों भी गलत है? जब वो दोनों गलत है, दोनों मिल गए, मैं मानता हूँ कांग्रेस चोर है, केजरीवाल चोर है, वो दोनों मिल गए। बकलोल महाराज, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने कहा कि देश में अत्याचार हो रहा है, देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग एक हुए हैं, हम स्टेट में एक नहीं है, हम केंद्र सरकार के लिए एक हुए हैं,
उसी तरीके से केंद्र की सरकार बनाने के लिए देश की जनता के जनादेश के सम्मान में मोदी जी ने नायडू का समर्थन लिया। स्टेट गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कोई भी सहमति नहीं है। वहां जो मतभेद था वो मतभेद है, वो मतभेद रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव में कभी भी भाजपा सरकार धर्म के आधार पर आरक्षण देने का समर्थन नहीं करेगी।